क्या आपने कभी खाई है ऐसे मलाईदार एकदम लच्छे वाली खुरचन वाली रबड़ी जो बहुत ही ज़्यादा आसानी से बन जाती है घर पे एकदम हलवाई स्टाइल में और खाने में है इतनी ज़बरदस्त। मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ बहुत ही आसान तरीके से, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, मैं शेफाली सक्सेना आप सबका स्वागत करती हूँ अपने कुकिंग चैनल द कुकिंग अड्डा पर। तो चलिए इसको बना लेते हैं झटपट से। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 लीटर फुल फैट यानी कि फुल क्रीम वाला दूध, और जैसे हम घर में उसको उबाल के रख लेते हैं मैंने वैसे ही घर में उबाल के रख लिया है। इसमें थोड़ी थोड़ी सी मलाई भी आ गई है जैसे ऊपर आ जाती है, और ध्यान रखेंगे इसमें मैंने बिल्कुल पानी यूज़ नहीं किया है। तो इसको हम रख देते हैं उबलने के लिए। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर थोड़ी सी मलाई है, तो मैं इसको उबलने के लिए छोड़ देती हूँ। अब आप देखेंगे ये हल्के हल्के बुलबुले से आ गए हैं और ये जो मलाई है ये आ गई है। तो अब हम इसको इस तरीके से साइड में लगा लेते हैं। देखिए खुरचन में बेसिकली होता ये है कि जो ऊपर की मलाई होती है वो इस तरीके से कढ़ाई पे लगाई जाती है और फिर बाद में उसे खुरच खुरच के निकाला जाता है। तो इसीलिए ये जो ऊपर की मलाई आएगी, ये जो परत आएगी दूध उबालने पर, तो हम इसे इस तरीके से कढ़ाई के साइड में फैलाएंगे, अच्छे से लगा लेंगे, पूरी मलाई को इकट्ठी कर लेंगे एक तरफ। तो आपको इस तरीके से चलाते हुए उबालना है दूध को। अभी मैंने गैस की फ्लेम थोड़ी सी हाई कर रखी है, मतलब बिल्कुल हाई नहीं है, मीडियम से हाई पे कर रखी है, क्योंकि दूध अभी बहुत सारा है। अगर मैं अभी से ही मीडियम हीट पे करूँगी तो बहुत देर लगेगी। तो अभी आपको इस तरीके से थोड़ा सा इसे हाई फ्लेम पर पकाना होगा और इसको चलाते रहेंगे ताकि दूध नीचे से जल ना जाए। तो अब आप देखेंगे मैंने गैस थोड़ी सी और हल्की कर दी है, और अब आप देखेंगे ऊपर से ये हल्की हल्की इस तरीके से मलाई आने लग गई। तो अब क्या करेंगे, इसको हम इस तरीके से कढ़ाई के साइड्स में लगा लेंगे। तो अभी फ्रेंड्स अभी बहुत कम मलाई आएगी, तो इस बात से डरिए नहीं कि बहुत कम मलाई है, कोई बात नहीं है। अभी हम इसमें 8-10 और उबाले लगाएंगे तो ये आगे आगे और हैवी होती चली जाएगी मलाई। तो इस तरीके से आपको उबालते रहना है और इसको चलाते रहना है। तो अब मैंने वापस से गैस की फ्लेम हाई कर ली है और इसको मैं जैसे जैसे ऊपर परत जमेगी उसी उसी तरीके से मैं इसको साइड्स में लगाती चली जाऊंगी। तो ये देखिए बिल्कुल हल्की पतली सी भी परत होती है मलाई की, वो भी मैं कढ़ाई पे लगाए चली जा रही हूँ। तो आपको चारों तरफ अच्छे से लगानी है और बिल्कुल हल्के हाथों से लगानी है, क्योंकि क्या होगा अगर आप एक कोट के ऊपर दूसरा कोट करेंगे मलाई का तो वो निकल सकता है। इसलिए बहुत ही हल्के हाथों से आपको इसे करना होगा, चलाते रहेंगे और जो मलाई आती रहेगी वो हम उसके ऊपर लगाते रहेंगे। तो यही एक प्रोसेस है इसका, जो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन इसका आउटकम यानी कि जो रिज़ल्ट आएगा वो एकदम बढ़िया सा रिज़ल्ट आएगा। इसमें आपको कैसे भी जो सिट्रिक एसिड है या बाहर जो है कुछ मिलाते हैं जो केमिकल, उसकी ज़रूरत नहीं है। लच्छों के लिए केमिकल मिलाया जाता है तो उसकी भी ज़रूरत नहीं है, बिना केमिकल के आप इस तरीके से बना सकेंगे। तो अब देखिए मैंने उबाल उबाल के दूध को और मलाई को इस तरीके से कर लिया है, और दूध की क्वांटिटी भी लगभग आधी हो चुकी है। तो इतने प्रोसेस में, मतलब दूध को आधा करने में लगभग मुझे 15 मिनट लगे थे। तो इस तरीके से मैं चलाती जा रही हूँ और अभी भी मैं वही प्रोसेस करे जा रही हूँ। तो अब दूध आधे से भी और थोड़ा कम हो गया है, बेसिकली हमें इसे रिड्यूस करना है 1/3 तक। तो 1 लीटर दूध को 1/3 तक आपको कम करना है। और ये देखिए इसकी मलाई एकदम वही प्रोसेस से मैं करती चली गई इसी तरीके से, और इसकी मलाई भी काफ़ी मोटी सी चमचे पे ही जम गई है। तो अभी आपको मीडियम हीट पे इस तरीके से पकाते जाना है और जितनी भी मलाई आ रही है ऊपर की वो आपको लगाते जाना है। तो ये देखिए मलाई कितनी मोटी सी जम गई है, करछी पे इतनी मोटी मलाई है, तो जो साइड्स हमने कवर करी हैं उस पर कितनी अच्छी होगी। तो बस लगभग 1/3 होने को हो गया है दूध, मतलब रिड्यूस होने लग गया है दूध, 1/3 होने को लग गया है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसमें ऐड करूँगी चीनी को। तो यहाँ मैंने 4 छोटे चम्मच चीनी ऐड करी है। ध्यान रखेंगे बहुत ज़्यादा चीनी होगी तो वो जो रबड़ी है वो बहुत ज़्यादा पनीली हो जाएगी, और जो कम चीनी होगी तो मज़ा बिल्कुल नहीं आएगा। तो बिल्कुल परफेक्ट आपको चीनी ऐड करनी है बिल्कुल सदैव हाथों से,
और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो गैस की आँच आप बिल्कुल लो फ्लेम पे कर सकते हैं इस टाइम पे, क्योंकि दूध हमारा ऑलमोस्ट रिड्यूस हो चुका है, बस हमें चीनी पिघलानी है। तो बस इस टाइम पे अब मैं यहाँ पे इलायची डाल देती हूँ, 2 छोटी इलायची हैं हरी वाली, अंदर का पार्ट मैंने इसमें ऐड किया है। गैस की आँच हम बिल्कुल लो फ्लेम पे कर देते हैं और अब हम इसको खुरचेंगे। जो हमने साइड में मलाई निकाली है, ये देखिए चमचे से नहीं खुरच रही है, थोड़ा सा जो शार्प वाला पार्ट होता है उससे मैं खुरचना शुरू करती हूँ। तो यही है फ्रेंड्स खुरचन, जो असली वाली होती है खुरचन, वही है ये। और ये देखिए कितनी मोटी सी मलाई निकली है, एकदम बढ़िया सी, काफ़ी हैवी मलाई है ये। केवल 1 लीटर दूध में इस प्रोसेस से आप जब भी बनाएंगे हर बार ऐसे ही बढ़िया सी लच्छेदार खुरचन वाली रबड़ी निकलेगी। ये देखिए इतनी अच्छी मलाई है, तो मार्केट से भी ज़्यादा बढ़िया आप घर पे बनाना पसंद करेंगे और घर पे बना भी सकते हैं। तो ये ऑलमोस्ट हो गई रेडी। तो इस मलाई को आप अच्छे से इसमें मिक्स कर लीजिए, हल्के हल्के इसमें ब्राउन आपको नज़र आ रहा होगा, ये एक्चुअली खुरचन है। जो हम मलाई साइड में लगी होती है वो थोड़ी सी बर्न हो जाती है, हल्की सी उसमें भूरा बना जाता है, वही ये खुरचन है। तो आपको अच्छे से खुरच लेना है आजू बाजू जितनी भी जगह मलाई ये लगी हुई है, यही आपकी रबड़ी है, यही आपकी बिल्कुल लच्छेदार जो एकदम खुरचन वाली रबड़ी होती है वो है। और अब आपको इसे गैस बंद कर देना है और ऐसे ही छोड़ देना है ताकि ये थोड़ी सी और अच्छे से गाढ़ी हो सके। तो 5-10 मिनट के बाद आप देखेंगे, ये देखिए अच्छे से और गाढ़ी हो गई है, एक मलाई की परत और जम जाएगी इसके ऊपर जब आप इसे ठंडा करने रखेंगे। तो इसको सर्व कीजिए बिल्कुल ठंडा ठंडा, फ्रिज में रख दीजिए चाहे 2 घंटे के लिए, उसके बाद इसको सर्व करेंगे तो बहुत ही मज़ेदार आ जाएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, अलग से हमने कुछ नहीं डाला है, दूध से बनी हुई है, तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है। बच्चों को दीजिए, बड़ों को दीजिए, ये सबको बहुत पसंद आएगी और ये खाते ही मुंह में पानी ज़रूर आएगा। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइए और रेसिपी को लाइक करना ना भूलें।